भक्ति चक्र में सबसे पहले सेट करना है? हाँ बिल्कुल। हेलो, और कहाँ सेट करोगे? शक्ति चक्र अच्छा सेट करेंगे। शक्ति चक्र का डिग्री से सेट करना है? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ओके, दो ही स्टेप है, पहले कंपास से डायरेक्शन देखना, फिर उसको जो है अपने मैप पे सेट करके 16 दिशाएं बनाना। अच्छा ठीक है ना। अब 16 दिशाएं बन गई, उसके बाद फिर आगे का काम होता है। आगे समझ, इतना समझ आ गया? हाँ। अब चीज आती है कि ये तो हमारा ये छोटा सा फॉर्मूला हो गया, अब आता है कि अगर हमें सेंटर निकालना हो तो क्या प्रोसीजर है? अगर मान लो सिंपल जो है, अगर प्लॉट है जैसे ये सिंपल आपका दे रखा है, तो हम सेंटर जो है ऐसे ही निकाल लेते हैं आराम से, इस तरीके से एक लाइन से एक लाइन बनाई सॉरी, और ऐसे इस तरीके से हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये तो सीधा हो गया। सिंपल है, सबसे सिंपल है ठीक है। और इसमें अगर फिर हमने 16 दिशाएं बना ली ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब क्या दिक्कत होगी? कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फ्लैट्स वगैरह में होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर कटे भी होती है कोई, कई प्लॉट्स कटे हुए भी होते हैं, तो उनमें क्या कंडीशंस अप्लाई करें? उसमें ये तो सिंपल हो गया। और इससे अगला जो मेथड होता है वो होता है 50% का। 50% मतलब क्या है कि जैसे आप इस प्लॉट को देख रहे हैं, इसमें जो है ये वाली जो वॉल है ये यहाँ से या तो ये कट रही है, ये यहाँ से ज्यादा बढ़ रही है। इसके ये तो वॉल सीधी है, इसके ठीक सामने यदि हम देखते हैं या तो हम देखेंगे कि ये पोर्शन आपका कट रहा है, या हम क्या कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। दो चीज कह रहे हैं। तो इसका हम सेंटर कैसे निकालें? तो इसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे, इसमें 50% वाला रूल होता है। 50% से मतलब क्या है कि ये है। इसका हम हाफ कर लेते हैं, ऐसे करके इसको हाफ मान लेते हैं। और फिर सेंटर में हम ऐसे लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका एरिया जो थोड़ा सा कटिंग में ले सकते हैं इसको, ये एरिया भी थोड़ा सा कटिंग में ले सकते हैं। और ये जो एरिया है ये हम किस में मान के चलेंगे कि ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है? एरिया पे हम बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो है कलर लगाएंगे बैलेंस के लिए। और जो कट की रेमेडीज, अभी सारी रेमेडीज कटिंग की और एक्सटेंड की वो आगे आएंगी, लेकिन वो फिर रेमेडीज यहाँ पे यूज करी जाती हैं। अच्छा अच्छा अब जैसे ये वाला है तो इसका कैसे थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि जैसे मैंने ये बताया था यहाँ पे हमारी कोई एंट्रेंस आई है, हमने ऐसा सेंटर निकाल के हमने मैच किया, और जो हमारी एंट्रेंस आ रही होगी उसके सिम्टम्स हमें मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी मैच करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि तो सारा काम इसमें सिम्टम बेस पे ही है। सेम इसमें अब एक कंडीशन क्या होती है कि आपने जो है ये इसमें कौन सी जगह है, ये हरियाणा वगैरह में होता है कि बीच में जो खुला स्पेस दे देते हैं, गांवों में भी देखते हैं आप बीच में खुला दे देते हैं, आगे बने होते फ्लैट मकान बने होते, पीछे मकान बने होते, बीच में बरांडा खूब लंबा चौड़ा बड़ा दे देते हैं। तो उस कंडीशन में जो सेंटर निकलेंगे उसमें ऐसे निकलेंगे, एक तो पूरे का सेंटर निकलता है। कोई इंसान जब रेमेडीज के लिए आता है ना तो हमें दो तीन तरह के सेंटर निकाल के मैच करके देखने होता है कि कौन से सेंटर से उसको प्रॉब्लम। एक पूरा निकालते हैं, एक ये एरिया होते हैं कि जैसे हम पहले मकान में रह रहे हैं, मानो जैसे ये कोई प्लॉट है हमारी और ये हमारा हमने पहले खरीद रखा है, और इसके हमें हमें पता ही है कि 16 डायरेक्शन कैसे बनेंगे। सिंपल तरीका है इसका, ऐसे लिया और ऐसे लिया और शक्ति चक्र से जो भी डायरेक्शन बनेंगे वो बना ली। इन फ्यूचर क्या होता है कि हम जो है जगह खरीदते हैं बगल वाली, और ये हमने यूज करनी चालू कर दी इसी से भिड़ा के इससे, और काम हम वैसे ही कर रहे हैं लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। कारण क्या है? सेंटर बदल जाएगा। ठीक है, सेंटर ये बदल गया। पहले क्या था, मान लो पहले हमारा यहाँ पे टॉयलेट था
और ये हमारा SSW में आ रहा था पहले, मान लो ठीक है। और जैसे ही हमने ये जगह खरीदी हमने और इसमें हमने मकान बना लिया इससे भिड़ा के, तो सेंटर तो हमारा बदल ही गया। तब वो टॉयलेट साउथ वेस्ट की जगह मान लो आगे हमारी SSW की जगह मान लो आगे हमारी साउथ वेस्ट में। और हम क्या कह रहे हैं कि जब से हमने ये मकान खरीदा है, ये जब से हमने जगह खरीदी है, तब से जो है हमारे तो काम दाम बिल्कुल ठप हो गए हैं। कारण क्या है कि हमारा सेंटर चेंज हो गया, हमारी 16 डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो टॉयलेट हो सकता है साउथ वेस्ट में आ गई हो, ठीक है ना। क्योंकि ओके क्योंकि ओके ठीक जैसे ही जगह हम बढ़ाते हैं कोई भी, तो हमारा सेंटर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें रेमेडीज करनी पड़ती हैं। तो मैंने जैसे कही कि सिम्टम्स जैसे हुए कि काम दाम ठप हुआ, तो हम हाथों हाथ पूरे घर का मैप फिर से लेके बैठेंगे, फिर से पूरे घर की 16 डायरेक्शन बना के देखेंगे, तो 100% जो है कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होगी। ओके एक बालकोनी का टॉपिक आता है कि बालकोनी को हम जो है फ्लैट का जो हम 16 डायरेक्शन बनाते हैं, तो बालकोनी को कैसे हम जो है यूज करें। बालकोनी में क्या कंडीशन होती है कि इसमें भी हम वही देखते हैं कि एरिया हमारा कितना बड़ा हुआ, ठीक है। और 12 लाख घर का। हाँ फिर मैम जो रेमेडी होंगी वो ओपन एरिया के हिसाब से होंगी, अंदर की बिल्डिंग की या अंदर की बिल्डिंग के हिसाब से रेमेडी होंगी, जो रेमेडीज अंदर वाली मैम सेंटर के उसका हिसाब मैंने बताया ना, रेमेडीज के लिए फिर वही मैच करना पड़ेगा काम। फिर अंदर चलते चलते टॉयलेट है, गैस है, ये सब देखते हैं, कलरिंग है, पहले एंट्रेंस से ही मैच कर लो सब चीजों को। अब ये आपका है जैसे, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, करने पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि हमारा कैसे भी करके जो है वास्तु पुरुष अपनी सही ढंग से एडजस्टमेंट कर सके, घुटन नहीं लगनी चाहिए उसे, घुटन नहीं लगेगी तो घर में सब काम आराम से होते जाएंगे। एकदम ठीक। ये आपका पोर्शन आज कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप बताइए मुझे। नहीं मैडम, वही तो बहुत हमें घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरा घर हाँ। को भी प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम आए हाँ, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आया, साउथ वेस्ट भी डाउन हो गया ना, कट हो गया, इसको भी देखना है कैसे करने से ये हाल ठीक होगा, ये भी थोड़ा मुझे देखना है। अभी टाइम भी आप बहुत है, नेक्स्ट वीक। जैसे आपका हाँ बोलिए। हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अभी इतना तो आपको आ ही गया, कंपास से चेक करके 16 डायरेक्शन बनाइए, NNE में हाँ 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, टॉयलेट हाँ, या एंटी कलर। नहीं NNE में टॉयलेट नहीं है मैडम, उधर में मेरा कुछ टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, सेफ्टी टैंक होगा, सेफ्टी टैंक नहीं है, नहीं सेफ्टी NNE में कुछ नहीं है, उधर में आपको ऐसे ही खाली स्पेस है, और उधर में नॉर्थ ईस्ट में आपको देवता देवता गॉडेस है, गॉडेस का मंदिर है, कोई मंदिर ट्रबल में, नहीं है। मंदिर में क्या है, थोड़ा ये जो 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 कॉपर का घोटी होता है, कॉपर कॉपर तो रेड गलत चीज कलर, है मुझे। रेड कलर हाँ? है, रेड कलर थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही तो इफेक्ट कर जाएगा सर, उसको रेड कलर का चेंज चेंज में हटाना पड़ेगा ही तो। हाँ ये सब रेड एंड अभी मंदिर का वास्तु आएगा उसमें कंसीडर हो जाएगा ये सब आपको। ओके ओके अच्छा अच्छा चेक करना, NNE चेक करना, उन दोनों को हाँ चेक हाँ करना, उसमें 100% अच्छा अच्छा निकल आएगा। हाँ फॉल्ट तो जरूर आया, तो मुझे भी मालूम है। हाँ, और अब ये है कि अब आज का इस हफ्ते का तो सेशन आपका कंप्लीट हुआ, आप दोनों का ओके ओके प्रैक्टिस हाँ करना, कंपास से डायरेक्शंस चेक करना, 16 डायरेक्शन बनाना, सेंटर निकालना, सेंटर के लिए मैट पे बहुत सारे नक्शे मिल जाएंगे, किसी को भी निकाल के और उसको खुद प्रैक्टिस करके देखना कि कैसे सेंटर हो सकते हैं, और कोई प्रैक्टिकली कोई मिल जाए आपके आसपास के किसी रिलेटिव्स के हो तो उनके भी आप निकाल के खुद टैली कर सकते हैं, अच्छी ओके प्रैक्टिस हो ओके जाएगी इसमें आपकी। एकदम नहीं, हम दो तीन दो चार पांच घर बनाएगा इसके टाइम के अंदर, बहुत टाइम है अभी, ठीक है ना। तो पूरा एक हफ्ते का टाइम है आपका, अब अगले मंडे को हाँ हाँ एकदम अच्छी बिल्कुल, और पूरा तब तक आप स्टडी करके इसको एकदम हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि फायदा ज्यादा करके होगा प्रैक्टिस ये, करना पड़ेगा। हाँ हाँ फायदा हाँ आपका ही है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, जितना नहीं 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 वो तो सही बात है, उतना जो है मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ इसको सीखा, और हालांकि दोनों ही आप उम्र में मुझसे बड़े ही हो, फिर भी अच्छा लगेगा कि अगर अच्छी तरह समझ लोगे और खुशी होगी मुझे, हो जाएगा। हाँ, नहीं अभी उसको कुछ नहीं बताएगा, जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट ना होगा किसी को कुछ नियम बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके मैडम। मैम आपको कुछ पूछना है। हेलो हाँ जी।